ये कल रात से एक भारी बरसात जो है कठुआ ज़िले में हो रही है, पूरे ज़िले में ही भारी बरसात हो रही है। पांचों सब डिविजन्स में जो है बहुत भारी बरसात है, जिसके कारण हमारे जितने भी नदियां और नाले हैं सब में डिस्चार्ज पानी का काफ़ी भारी मात्रा में आ रहा है। अगर उज नदी की बात करें तो उज नदी में तकरीबन 260,000 क्यूसेक पानी आज सुबह उज नदी में आया है, जो बराज की कैपेसिटी को ओवरफ्लो करके आया है। इस पानी के आने से हमारा एक ब्रिज है तरना नदी पे, इस ब्रिज में थोड़ा डैमेज हुआ है जिसके कारण हमें ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा है। ऑल्दो ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है बॉर्डर रोड की तरफ से, और इस ब्रिज को भी बहुत जल्द से जल्द रिपेयर करने की प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, और जल्दी ही इसको रिपेयर करके ट्रैफिक रिस्टोर किया जाएगा। दूसरी जो एक बड़ी दुखद घटना हुई है वो बनी में हमारे, क्योंकि भारी बरसात थी उसके कारण बहुत सारे मल्टीपल लोकेशन पर लैंडस्लाइड हुए हैं और कई जगह पर ज़मीन भी धंसी है पानी के कारण। इन लैंडस्लाइड्स में जो कन्फर्म रिपोर्ट है 5 लोगों की मौत हुई है, जो कि एक बड़ी दुखद बात है। मैं उनके परिवार के साथ और सारे बनी लोग के लोगों के साथ बहुत ही संवेदनाशील तरीके से उनको मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन आपके साथ है और प्रशासन आपकी पूरी मदद करेगा इस जो घटना हुई है इससे उभरने के लिए। तो आगे भी जो है बारिश का अगले 3 दिन का फोरकास्ट, हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट है, तो मैं सभी कठुआ वासियों से यही उम्मीद रखता हूँ और यही उनसे बात कहनी चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें। हमारे कंट्रोल रूम के नंबर हर जगह पर डिस्प्ले किए गए हैं, आपको अपने लोकल पंचायत से, म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस से, SDM ऑफिस से, ADC ऑफिस से, कलेक्ट्रेट से वो नंबर मिल जाएंगे। ऑनलाइन भी वो नंबर अवेलेबल हैं, अगर आप उन नंबर पर कॉल करते हैं तो किसी भी टाइम 24 घंटे वो लाइनें हमारी खुली हैं, आप जब कॉल करेंगे तो इमीडिएटली आपको कोई असिस्टेंस की ज़रूरत है तो आपको प्रशासन की तरफ से पहुँचाई जाएगी। सर, बनी में जो घर कोलैप्स हुआ है उसमें कितने फैमिलीज हो गई और क्या उसमें अपडेट? जो घर कोलैप्स हुआ है उसमें 5 टोटल लोग थे, जिसमें से कि 2 की मौत कन्फर्म्ड हुई है और 3 अभी मिसिंग है, जिनको ढूंढने के लिए हमारी लोकल पुलिस की टीम, SDRF की टीम, प्रशासन की टीम और आर्मी के लोग भी उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में वहाँ पे लगे हुए हैं। वहाँ पे भारी बरसात हो रही है और अभी भी लैंडस्लाइड जारी है, जिस कारण रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा सा डिलेट चल रहा है, बट हमारी पूरी कोशिश ये है कि जैसे ही मौसम साफ़ होता है हमें उनको रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा 3 और लैंडस्लाइड के इंसिडेंट हुए थे, जहाँ पे 3 लोगों की, मैंने आपको बताया 5 लोग टोटल की मौत हुई है, तो 3 और इंसिडेंट में 3 और लोग जो हैं वो वहाँ पे उनकी मौत।